गूगल क्रोम लेटेस्ट फीचर्स एंड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। मेरा आज का वीडियो गूगल क्रोम के फीचर्स को लेकर जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल क्रोम के लेटेस्ट अपडेट के अंदर क्या क्या फीचर्स आए हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गूगल क्रोम का यूज करते होंगे, और आप सभी को मालूम ही है कि गूगल ने अपने बहुत सी एप्लीकेशंस में, बहुत से प्रोडक्ट में काफी कुछ चेंज किया है। जैसे कि बीते हफ्तों में ही एप्लीकेशंस यानी तेज का नाम भी चेंज किया, उसको गूगल पे बना दिया है, साथ ही उसका आइकन भी चेंज कर दिया है, और साथ ही गूगल एडसेंस के आइकन के साथ भी काफी कुछ चेंजिंग किया गया है। गूगल एडसेंस के साथ साथ जीमेल के अंदर भी काफी फीचर्स को जोड़ा गया है, यानी जीमेल को अपडेट किया गया है। अब हाल ही में गूगल ने अपने एक प्रोडक्ट को अपडेट किया है जो कि गूगल क्रोम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, लेकिन अभी इसको मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है। जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अभी तो आपको देखिए नॉर्मल पेज दिखाई दे रहा है, जब इसका अपडेट होगा तो आपको यहाँ ऊपर चेंजिंग दिखाई देगा और नीचे की साइड में आपको काफी कुछ चेंज दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको ऊपर की ओर भी काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको अपडेट कर देते हैं और देखते हैं कि इसके अपडेट होने के बाद किस किस तरह के फीचर्स हमारे सामने आते हैं। गूगल क्रोम को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ जो तीन डॉट दिखाई दे रहे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको हेल्प वाले ऑप्शन पे जाना होगा। हेल्प वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट गूगल क्रोम, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक कर दिए, देखिए अभी ये जो अपडेटिंग है ये चालू हो गई है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 35% हो चुका है, कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरा हो जाएगा। जब पहले हम इसको अपडेट करते थे तो हमारे सामने इसको रिस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो मेरे सामने इसको रिस्टार्ट करने का भी ऑप्शन आएगा। रिस्टार्ट होने के बाद गूगल क्रोम हमें एक नए लुक में दिखाई देगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये अपडेटिंग चल रहा है। अगर आपका भी गूगल क्रोम अपडेट नहीं है तो आप इसी तरह अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए ये अपडेटिंग हो चुका है और मेरे सामने एक रीलॉन्च का एक मैसेज आ चुका है। पहले जब हम इसको अपडेट करते तो हमारे सामने इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आता था, तो एक ही बिग अपडेट इसने दिया है कि जब भी आप इसे अपडेट करेंगे तो आपको इसको रिलॉन्च करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको रिलॉन्च कर देता हूँ। रिलॉन्च करने के बाद ये देखिए नया लुक हमारे सामने आ चुका है। अब ये इसको वेरीफाई कर रहा है और हमारे सामने लिखा गया गूगल क्रोम इज अप टू डेट, और आप देखिए ऊपर की साइड में सब का सब यहाँ आइकन चेंज हो गया है। अब थोड़ा मैं आपको इसके होम पेज पे जाके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने यहाँ गूगल खुल चुका है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका होम पेज बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी फिलहाल हम इसको बंद करके दोबारा खोल लेते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग होता है या नहीं होता है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ से गूगल क्रोम को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से फिलहाल तो मेरी ईमेल आईडी ओपन होगी, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए हमारे सामने जो बिग अपडेट आया है वो आया ओपो का जो एड्रेस बार है वो आप देख रहे हैं, जो पहले बिल्कुल बॉक्स में दे रखा था अब इसको राउंड शेप में कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको जो होम पेज है वो भी आपको यहाँ चेंजिंग दिखाई दे रहा है। आप यहाँ अपने हिसाब से कोई शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट को डेली विजिट करते हैं तो सिंपल आप यहाँ ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करके उस वेबसाइट का एड्रेस आके उसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ किसी वेबसाइट को ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं अपनी ही वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट यानी हिंदी टैगरो के नाम से, तो मैं यहाँ हिंदी टैगरो लिख के उसका एड्रेस डाल के सीधा डन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया, मैं सीधा डन पे क्लिक कर रहा हूँ। डन पे क्लिक करिए, देखिए ये वेबसाइट यहाँ आ चुकी है, पहले से ही ऐड थी तो इसने इसी के ऊपर बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी वेबसाइट को इसी तरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो उसमें अपडेट दिया गया है, देखिए नीचे इन्होंने एक सेटिंग्स का बटन
दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यह सेटिंग्स का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रोम बैकग्राउंड का, तो आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और देन यहाँ से मैं किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ सेट कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करके सीधा डन पे क्लिक किया। डन पे क्लिक करते ही देखिए ये बैकग्राउंड मेरे गूगल क्रोम में सेट हो चुका है। अगर आप किसी बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर आप अपनी कोई फोटो गूगल क्रोम में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेटिंग्स बटन पे क्लिक करके अपलोड इमेज पे क्लिक करके किसी फोटो को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट ये भी गूगल क्रोम में दिया है। साथ ही देखिए इसने यहाँ कोने में हमारा आइकन दे रखा है। आइकन मीन्स जो आपकी जीमेल आईडी होती है वो आपके गूगल क्रोम के साथ सिंक होते हैं। जब भी आप कहीं अपनी जीमेल आईडी को किसी अदर सिस्टम पे खोलते हैं तो जो भी आपके सिस्टम की गूगल क्रोम की सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स उठा लेता है और उसके अंदर भी वही सेटिंग्स कर देता है जो सेटिंग आपके सिस्टम में होती है। तो जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि पासवर्ड। जो भी आप अपने सिस्टम में पासवर्ड सेव रखते हैं तो सिंपल आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सभी की सभी लिस्ट ओपन हो जाती है जितनी भी आपने अपने सिस्टम के अंदर पासवर्ड सेव कर रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ काफ़ी सारे पासवर्ड सेव कर रखे हैं। और साथ ही अगर आपको किसी पासवर्ड को देखना है तो नॉर्मल आप यहाँ आँख वाले आइकन पर क्लिक करके किसी भी पासवर्ड को देख सकते हैं। एक बड़ा अपडेट ये दिया है। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद हम दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट मेथड का। मैं यहाँ पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ। पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ किसी भी एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पे कोई सामान परचेज करते हैं तो वहाँ आपको बार बार अपना एड्रेस फिल करना पड़ता है, या जब कोई आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या रेलवे की टिकट बुकिंग करते हो तो आपको सब डिटेल वहाँ फिलअप करनी पड़ती है। लेकिन इस फीचर्स के माध्यम से सिंपल आपको यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी सभी डिटेल यहाँ भर दीजिए। सभी डिटेल भरने के बाद जब भी आप किसी भी फॉर्म को किसी भी शॉपिंग साइट पे अपना एड्रेस डालेंगे तो केवल एक वर्ड लिखते ही आपका पूरा का पूरा एड्रेस दिखने लगेगा और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके द्वारा यहाँ ऐड किया गया एड्रेस आ जाएगा। तो एक ही बिग अपडेट इसमें ये दिया गया है। मैं दोबारा से आ जाता हूँ। मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ। बाकी तो नॉर्मल ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें अपडेट इन्होंने दे दिया है। साथ ही गूगल का कहना है कि ये जो ब्राउज़र है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। जब आप पहले गूगल क्रोम यूज करते थे उसमें कुछ बग्स थे, लेकिन उन सभी बग्स को इस वाले अपडेट में दूर कर दिया गया है। तो आप गूगल क्रोम के इस अपडेट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपने गूगल क्रोम को आज ही अपडेट करिए, क्योंकि ये रियल में पहले से ज़्यादा फास्ट हुआ है और इसमें आपको काफ़ी कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। गूगल अपने कुछ और प्रोडक्ट में आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ अपडेट करने वाला है। उन सब की जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल पे जरूर दूंगा। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे और इंतजार करिए मेरे आने वाली वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।